अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि रहीम यार खान में है। इसमें इस वक्त एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉल 2024 सेशन के लिए। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एंट्री टेस्ट आपको कब और कहाँ देना होगा, इसके अलावा लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, और बाकी तमाम डिटेल्स भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर इनके जो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, ये एडवर्टीजमेंट जो है इनकी जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड की है थोड़ी सी ब्लर है, तो मैं आपको तमाम प्रोग्राम्स पढ़ के बता देती हूँ। जिसके अंदर जो PhD के प्रोग्राम्स हैं उसमें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी है, एग्रोनॉमी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, PhD के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, फूड टेक्नोलॉजी है, IT है, मैथ्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और फिजिक्स का प्रोग्राम है। फिर उसके बाद जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं MS और MPhil के 2 साल वाले, जिनके 4 सेमेस्टर्स होंगे 6 मंथ्स के, तो इसमें MPhil एजुकेशन है, MBA 2 साल का है, MS एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी है, एग्रोनॉमी है, IT है, बायोकेमिस्ट्री है। ये तकरीबन वही प्रोग्राम्स हैं जो ऊपर PhD में भी ऑफर हो रहे थे। देन बायोटेक्नोलॉजी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट है, फूड टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है। देन उसके बाद हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, मैथ्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और फिजिक्स का प्रोग्राम है। देन उसके बाद जो अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हैं बैचलर लेवल के 4 साल के 8 सेमेस्टर्स वाले, उसमें जो है वो BEd 1.5 ईयर्स का है, BBA है, BBA ब्रिजिंग सेमेस्टर है, देन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, एस्थेटिक्स एंड कॉस्मेटोलॉजिकल साइंसेज है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर सिंपल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोकेमिस्ट्री है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, बॉटनी का ब्रिजिंग सेमेस्टर है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है और केमिस्ट्री है। देन उसके बाद सेकेंड लाइन में BS केमिस्ट्री का ब्रिजिंग सेमेस्टर है, सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस का ब्रिजिंग सेमेस्टर है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, इंग्लिश है, इंग्लिश का ब्रिजिंग सेमेस्टर है, देन DPT है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, फाइन आर्ट्स है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फॉरेंसिक साइंस है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ब्रिजिंग सेमेस्टर है, IR, इस्लामिक स्टडीज़ विद IT, मैथ्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड तमाम ही प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। देन MLT है, माइक्रोबायोलॉजी है, ऑप्टोमेट्री है, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज है, फिजिक्स है, फिजिक्स का ब्रिजिंग सेमेस्टर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, जोलॉजी है, जोलॉजी का ब्रिजिंग सेमेस्टर है और LLB है 5 साल वाला। इसमें जो एंट्री टेस्ट हैं, जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आप एप्लीकेबल हैं, जो आप अगर दिया हुआ हो तो ये एक्सेप्ट करेगी यूनिवर्सिटी, वो ये ख्वाजा फरीद का अपना GAT का टेस्ट है, NTS का GAT टेस्ट है, HSC की तरफ से जो टेस्ट होता है वो है। अंडर ग्रेजुएट के लिए ख्वाजा फरीद का एप्टीट्यूड टेस्ट है, ख्वाजा फरीद का इंजीनियरिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट है, NTS का NAT है, ECAT है, LAT है और MDCAT है। अगर आपने कोई भी किया हुआ है, जैसे MDCAT DPT वगैरह के लिए और पंजाब वगैरह में चाहिए होता है, तो अगर आप इनसे सब किया हुआ है तो आप फिर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे LLB के लिए LAT का टेस्ट लाजमी होता है, इसके बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलता। तो ऑनलाइन अप्लाई आप इनकी वेबसाइट पर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इनका, तमाम प्रोसीजर वगैरह वो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें जो इन तमाम प्रोग्राम्स में जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 12 जून 2024 है। उसके बाद अगर हम इस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, आपको कौन से प्रोग्राम में कितने मार्क्स चाहिए कि आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, तो इस वक्त मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इन्होंने अंडर ग्रेजुएट बैचलर प्रोग्राम्स के लिए तमाम प्रोग्राम्स के आगे पूरा डिटेल्स लिखी हुई है कि डी टेस्ट कौन सा होना चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए, कौन सी फील्ड से आपने किया वो इंटरमीडिएट और मैट्रिक वगैरह। तो ये जो तमाम डिटेल्स हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं, मेंशन है पूरी। इस वीडियो में इतना सारा डिस्कस नहीं कर सकती, इसलिए ये लिंक जो है इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी वेबसाइट से, तो आप वहाँ से जाके इसे एक्सेस कर सकेंगे और यहाँ से पूरा आप देख लेगा आपको जो भी प्रोग्राम करना है, तो उसमें जितने भी सारे डिटेल्स वगैरह हैं, नीचे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए भी अवेलेबल हैं ये सारा। ये बहुत लंबा पेज है, इन्होंने बिल्कुल ही सारे डिटेल्स दी हुई हैं, और फिर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, यानी कि मास्टर्स वगैरह के लिए, PhD के लिए तमाम है। तो ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा।
उसके बाद जो इनका एंट्री टेस्ट का सिलेबस और आउटलाइन है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस और टेस्ट पैटर्न पूरा जो इनका ख्वाजा फरीद का ग्रेजुएट का एंट्री टेस्ट होता है उसमें जो है ये तमाम कौन कौन सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, परसेंटेज इन क्वेश्चन कितनी होगी, तमाम ही डिटेल्स यहाँ पर हर प्रोग्राम की लिखी हुई है। मैथ, इंग्लिश, IQ, मैथ, इंग्लिश जैसे यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है ये सारा टेस्ट पैटर्न फॉर कैट। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ इधर मैं आपको बता देती हूँ। फिज़िक्स के लिए जो है टोटल क्वेश्चन 25 हैं, केमिस्ट्री के लिए 25 आएंगे, मैथ्स के लिए 20 आएंगे, इंग्लिश के लिए 15 आएंगे और IQ के लिए 15 आएंगे। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और इसमें जो टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट्स होगा। यहाँ से आप देख भी सकते हैं ये तमाम जो है लिखा हुआ है, ये KF-80 टेस्ट के लिए है और ये ऊपर वाला जो है KF-GAT टेस्ट के लिए है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आप इसमें एडमिशन्स के लिए अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं तो यहाँ पर इन्होंने पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो आपने इनकी एडमिशन पोर्टल पर जाना है और आपने आपको रजिस्टर करना है इनकी वेबसाइट पर फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एडमिशन पोर्टल का लिंक तो आपको मिल जाएगा नीचे से। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपने एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, उसको पूरा तमाम लॉगिन करके दोबारा से इसको पूरा फिल करना होगा जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, एकेडमिक डिटेल्स होंगी और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उसको बिल्कुल करेक्टली आपने फिल करना होगा। आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन सिस्टम आपके लिए जनरेट करेगा चालान फॉर्म जिसको आपने प्रिंट करवाना है और जो भी उस पर बैंक मेंशन होगा, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि HBL बैंक मेंशन होगा उस पर, उसमें किसी ब्रांच में जाकर आपको जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी होगी वो जमा करवानी होगी। उसके बाद जो उसकी आपको एक स्टूडेंट कॉपी मिलेगी उसको आपने वापस अपलोड कर देना है, पेड चालान की स्टूडेंट कॉपी को पे अपलोड कर देना है इनकी वेबसाइट पर। उसके बाद आप अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो इनकी वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस के नाम से, वहाँ पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपने फ़ीस पे करा दी है नहीं, आपका एडमिशन हो मतलब आप एप्लीकेबल हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं, इस तरह का पूरा स्टेटस जो है वो मेंशन हो जाएगा। उसके बाद जब मेरिट लिस्ट अपलोड होगी, डिस्प्ले होगी इनकी वेबसाइट पर, तो वहाँ पर अगर आपका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट के अंदर तो जो भी ड्यू डेट आपको मेंशन की जाएगी उसमें आपने आपको तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के या बैचलर वगैरह के, मास्टर्स के, जो भी आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वो आपने इनके एडमिशन ऑफिस में जाकर सबमिट करने होंगे और फिर एडमिशन ऑफिस आपको बताएगा कि आप कब से जो है क्लासेस स्टार्ट होंगी और बाकी जो जितना भी प्रोसेस वगैरह। उसके बाद अगर हम इस यूनिवर्सिटी में मेरिट डिटर्मिनेशन देखें कि जो मेरिट फार्मूला होता है वो क्या है, तो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के लिए जो मेरिट स्कोर होगा वो इंटरमीडिएट के आपकी 45% लगेगी, मैट्रिक की 30% लगेगी, एप्टीट्यूड टेस्ट के भी 30% मार्क्स लगेंगे, सॉरी मैट्रिक की 25% लगेगी और एप्टीट्यूड टेस्ट की 30% मार्क्स लगेंगे। ये जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी फिर भी परसेंटेज आएगी फर्स्ट ईयर में, अगर आप फर्स्ट ईयर की बेसिस से अप्लाई करें और इंटरमीडिएट में तो आपने उसको 0.45 से मल्टीप्लाई करना होगा परसेंटेज को। तो ये इन्होंने पूरा प्रोसेस दिखा हुआ है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं उसमें जो इंटरमीडिएट की 50% वेटेज है, 17% मैट्रिक की है और एप्टीट्यूड टेस्ट की 33% वेटेज है। पासिंग क्राइटेरिया भी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 33% ही होगा आपका, यानी कि 100 में से आपने एटलीस्ट 33 मार्क्स आपको गेन करने होंगे। देन ब्रिजिंग जो सेमेस्टर्स हैं उनके, उसके अंदर बैचलर्स की 45% होगी, इंटरमीडिएट की 25% होगी और एप्टीट्यूड टेस्ट की 30% स्कोर लगेंगे। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो MS और MPhil वाले हैं उसके अंदर बैचलर प्रोग्राम्स के लिए 40% लगेगी और KF-GAT और GAT के स्कोर 30% लगेगा और जो परसेंटेज इंटरव्यू और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के मार्क्स होंगे वो 30% होंगे। मास्टर्स के जो 2 साल वाले प्रोग्राम है उसके लिए परसेंटेज बैचलर रिकॉर्ड के लिए 20% होगा, परसेंटेज मास्टर रिकॉर्ड के लिए 20% होगा और जो आपके इंट्री टेस्ट के स्कोर होंगे उसके लिए 30% होगा और 30% आपका होगा इंटरव्यू और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के मार्क्स। देन पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए एकेडमिक रिकॉर्ड्स के 40% होंगे, जो इंट्री टेस्ट होगा उसके लिए 30% होंगे, इंटरव्यू और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के 30% होंगे मार्क्स। बैचलर जो 14 ईयर्स है उसके लिए 10% है, मास्टर्स 16 ईयर्स के बाद होगा 10% और MS MPhil के लिए 20% मार्क्स हैं। ये तमाम डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद अगर हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कोटा रिजर्व सीट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी इनके एडवोकेट्स लॉयर्स चिल्ड्रन के लिए, यानी कि एडवोकेट्स और लॉयर्स के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए
5% कोटा, यानी कि जो 5% आपको सीट्स मिल सकती हैं जो लॉ डिग्री प्रोग्राम से LLB वगैरह जो होते हैं, देन बलूचिस्तान से लेकर नीचे जितने भी इनके फील्ड्स हैं, टाइप ऑफ रिजर्व सीट्स हैं, उनके लिए 1 सीट हर प्रोग्राम के लिए होती है। यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए में 1 सीट होगी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में 1 सीट होगी, इस तरह हर प्रोग्राम में 1-1 सीट होती है। तो बलूचिस्तान वाले रेजिडेंट्स के लिए होती है मार्टर्ड या ऑनरेडी या फिर डिसेबल्ड मिलिट्री पुलिस और जो KFUT के डिसीज्ड या डिसेबल्ड हैं एम्प्लॉयज़ थे, तो उनके लिए भी 1 सीट होती है। देन उसके बाद इनकी यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 4% सीट्स होती हैं ईच प्रोग्राम में। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोटा 1 सीट का है, फॉरेन स्टूडेंट्स कोटा 1 सीट का है, माइनॉरिटी का कोटा 1 सीट है। उसके बाद एयरस्वाइल फाटा का कोटा 1 सीट का है, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का 1 सीट का कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा 1 सीट है और डिसेबल्ड कोटा 1 सीट है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम्स और DAE होल्डर एप्लीकेंट्स जो हैं वो नॉट एलिजिबल हैं फॉर एनी ऑल कोटाज एक्सेप्ट DAE कोटा। यानी कि एक तो ये बात इन्होंने लिखी हुई है कि इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम्स के लिए कोई भी रिजर्व कोटा नहीं है, इसके अलावा जो DAE होल्डर एप्लीकेंट्स हैं उनका कोटा सिर्फ और सिर्फ DAE प्रोग्राम्स में होगा, इंजीनियरिंग और जो बैचलर्स के बाकी सारे प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए नहीं होगा। तो ये थी इस यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।